सामूहिक हत्याकांड और 5 सालों में 7 परिवारों के 30 लोगों का खून हुआ। वारदात रोक पाने में पुलिस कैसे नाकाम रही, जरा एक रिपोर्ट देखिए। पुलिस प्रशासन फेल, संगम नगरी में खूनी खेल। प्रयागराज में नहीं रुक रहे सामूहिक हत्याकांड। 5 सालों में 7 परिवारों के 30 लोगों की हत्या। क्या क्राइम सिटी बन रही है संगम नगरी? तारीख 23 अप्रैल 2022, 5 लोगों की निर्मम हत्या। प्रयागराज में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहाँ एक परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। मृतकों में पति पत्नी, उनकी बेटी, गर्भवती बहू और एक 2 साल की पोती है। हत्यारों ने 5 साल की बच्ची पर भी हमला किया। हालांकि वो बच गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका है कि हत्यारों ने विकलांग बेटी और गर्भवती बहू के साथ रेप भी किया है, क्योंकि इन दोनों के शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। सिर्फ यही नहीं, वारदात के बाद हत्यारों ने घर में आग लगाने की कोशिश की। वारदात शहर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव की है। विभत्स हत्याकांड से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। योगी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ एसटीएफ को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। वहां से जो एसएसपी ने मीडिया को ब्रीफ किया है तथा मुख्यालय पर सूचना दी है, उसके हिसाब से सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है कि ये घटना क्यों कारित की गई है और क्या इसके पीछे रंजिश हो सकती है। ये गंभीर घटना है और मुख्यालय एवं शासन के तरफ से भी इसके लिए विशेष टीमों को गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो एसटीएफ की यूनिट है प्रयागराज की, उसको भी मौके पर भेजा गया है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इसमें कुछ कहना उचित होगा। अप्रैल महीने की 16 तारीख को ही बंगज के खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में पत्नी और 3 बेटियों की बेरहमी से हत्या की गई थी और पति का शव आंगन के जाल में लटका मिला था। वैसे ऐसी कहानियां प्रयागराज के लिए कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई परिवारों का कत्लेआम हुआ है। नवाबगंज, गोहरी, सोराव और होलागढ़ थाना क्षेत्र में 5 सालों में 7 परिवारों के 30 लोगों की हत्या हुई है। 5 साल में कब और कहां 6 परिवारों के 30 लोगों की जान ली गई? 5 साल में कब और कहां हुई हत्याएं? 23 अप्रैल 2022, खेवराजपुर गांव में 5 लोगों की हत्या। 16 अप्रैल 2022, नवाबगंज के खागलपुर में 5 लोगों की हत्या। 25 अक्टूबर 2021, गोहरी में परिवार के 4 लोगों की हत्या। 5 जनवरी 2020, सोराव के यूसुफपुर में 5 लोगों की हत्या। 2 जुलाई 2020, होलागढ़ के शुकुलपुर मजरा में 4 लोगों की हत्या। 7 सितंबर 2018, सोराव के बिगहिया में 4 लोगों की हत्या। 19 मार्च 2018, नवाबगंज के शाहपुर में 3 लोगों की हत्या। ये वो हत्याकांड हैं जो बीते 5 सालों में संगम नगरी में हुए हैं। हर एक हत्याकांड ने प्रयागराज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। आखिर अपराधी कैसे इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और एक के बाद एक घटनाएं प्रयागराज में हो रही हैं। सिलसिलेवार तरीके से हुई इन घटनाओं को लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद रहा, वो भी हाल ही में हुई घटनाओं में साफ नजर आता है। गोहरी में हुए हत्याकांड में तो पुलिस ने जिन्हें जेल भेजा, वो लड़के दोषी भी नहीं थे और मामले के खुलासे की बात करने वाली पुलिस के हाथ अभी तक खाली के खाली हैं। और अभी 2022 में भी हुए दोनों हत्याकांडों में पुलिस की जांच अटकी हुई है। प्रयागराज में लगातार सामूहिक हत्याएं हो रही हैं और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है।
ताजा मामला थरवई इलाके का है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन 7 टीमें गठित करके मामले की खुलासे की बात कर रही है, वहीं पूरे मामले में अब राजनीति गहराने लगी है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।